ये तो शुरुआत इंडिया गठबंधन की हुई 25 तारीख को फतेहाबाद से ही, और उसमें ज्यादा टाइम लग गया। एक तो राहुल जी की यात्रा चल गई, दूसरा उनके अध्यक्ष का चुनाव हो गया, वरना फतेहाबाद से आने के बाद लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी सोनिया जी से मिले और राहुल गांधी जी से मिले, उनका हमें थोड़ा समय दीजिए। और अब जब भारतीय जनता पार्टी की ताकत से लड़ना है तो कोई भी अछूत नहीं। ये जो अभी नेक्स्ट मीटिंग जो हो रही है उसमें कोई सीटों का आकलन की बंटवारे की सीटों का बंटवारा बड़ी चीज है। हम उससे पहले कैंपेन शुरू करें तो ये बता दें कि 2 अक्टूबर के बाद जी इंडिया गठबंधन के संयुक्त बैठकें शुरू हो जाएगी, जिसकी शुरुआत भोपाल से। अच्छा, उम्मीदवार को चलते एक पार्टी में क्या उम्मीदवार तय हो जाती है इतनी आसानी से नहीं होती, उसमें समय लगता है। लेकिन वो प्रोसेस भी राज्यों में हम शुरू करेंगे। राज्यों की जो इकाइयां हैं हमारी जो बनने के भी बनी नहीं है वो राज्यों में भी शुरू करेंगे। अब सब जगह तो इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन नहीं जा सकता, लेकिन 400 सीटें ऐसी हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिए, मैं रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, जहाँ 1-1 तय हो गया है। सैद्धांतिक तौर पर फैसला होगा 1-1 और 400 सीटों का। और एक राज्य जो राज्य इकाइयां बननी है, जैसे इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी नेशनल लेवल पर बनी है, ऐसे राज्यों की इकाई बननी है। 3 राज्य ऐसे हैं, 50 साल से घरानात्मक हमने पैचअप किया। CPIML कहती थी पॉलिटिकल पावर कंसोल्ट फ्रॉम द बैरल ऑफ ए गन, हमने उनके साथ किया। तो जब हम ये सारे काम बिहार में कर सकते हैं बीजेपी को कमजोर करने के लिए, तो इन्हें तो बड़ी ताकत है। इन्हें तो किसी की सिफारिश की जरूरत भी नहीं है कि हम रिकमेंड करें कि सारे इन्हें भी दीजिए। और ये इन्हें नहीं, जो भी भारतीय जनता पार्टी को पराजित करना चाहते हैं वो हमारी 2 पार्टियां तोड़ करके महाराष्ट्र में लेंगे। तो जब सत्ता की भूख उनकी इतनी तेज है तो मैं चाहता हूँ कि इंडिया के नेताओं की भूख भी सत्ता में जाने के लिए और भाजपा को पराजित करने के लिए उतनी ही मजबूत थी। वो तो कह रहे थे 30,000 करोड़ रुपए खा गए एनसीपी वाले, अगले दिन वही आदि मंत्री बनता है। तो ये लचक अगर नहीं होगी, और किसी का कोई बयान नहीं, ना अभी इन्होंने ने अप्रोच किया ना हमने दावत दी, हम तो उसका हिस्सा मानते हैं। ये तो शुरुआत इंडिया गठबंधन की हुई 25 तारीख को फतेहाबाद से ही, और उसमें ज्यादा टाइम लग गया। एक तो राहुल जी की यात्रा चल गई, दूसरा उनके अध्यक्ष का चुनाव हो गया, वरना फतेहाबाद से आने के बाद लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी सोनिया जी से मिले और राहुल गांधी जी से मिले, उनका हमें थोड़ा समय दीजिए। और अब जब भारतीय जनता पार्टी की ताकत से लड़ना है तो कोई भी अछूत नहीं।